हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। इससे पहले मैं पहला पार्ट आपको करवा चुका हूं, उसके अंदर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया गया था। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बारे में बताया गया था इस चैप्टर के अंदर क्या क्या हमें आगे पढ़ना है, क्या क्या इसके अंदर मेन चीज़ है। ओके, तो अब सेकेंड पार्ट शुरुआत की जाती है इस चैप्टर से, इस वीडियो से। वो सेकंड पार्ट के अंदर हम किसके बारे में पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि आपकी पूरी एनसीईआरटी बुक के अंदर दिया गया है। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। तो आप देख ही रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नीचे एनिमल लिख दिया और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर प्लांट्स लिख दिया। देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, बात एक ही है। ठीक है, जो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होगी वो सिंगल पेरेंट्स ही होगा। बस मैंने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नीचे एनिमल इसलिए लिखा है क्योंकि एनिमल्स के केस में हम इस टाइप के रिप्रोडक्शन जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, और प्लांट के अंदर ऐसे केस को हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कह देते हैं। बस नेमिंग का डिफरेंस है, बाकी जो प्रोसीजर था वो सेम है। ठीक है, चलिए देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम देखेंगे एनिमल्स के केस में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे इन केस ऑफ एनिमल्स। ओके, ए सिंगल इंडिविजुअल यानी पेरेंट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ए सिंगल इंडिविजुअल, एक सिर्फ और सिर्फ एक लौता व्यक्ति भी जो अपनी संतान को पैदा कर सकता है, ठीक है, अपनी जैसे दूसरी कॉपी बना सकता है। जो इंडिविजुअल होगा उसको हम पेरेंट्स ही कहेंगे। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसी को कहते हैं, और एनिमल्स के केस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, प्लांट के केस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो डेफिनेशन मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ और अब भी बता दी है। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे है क्लोन, क्लोन के बारे में पढ़ना। क्लोन होता क्या है, देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब कोई सिंगल इंडिविजुअल या पेरेंट अपनी ऑफस्प्रिंग पैदा करता है, ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है, तो जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो जेनेटिकली एक दूसरे की कॉपी होते हैं, एक दूसरे की सिमिलर ही नहीं, वो जेनेटिकली भी एक दूसरे की कॉपी होते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या लिखी है, द ऑफस्प्रिंग वन अनदर बट आल्सो एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ इच अदर लाइक देयर पेरेंट्स। डेफिनेशन वही कह रही है जो मैं आपको बता चुका हूँ कि ऑफस्प्रिंग ऐसे पैदा होंगे जो कि एक दूसरे से मेल तो खाते ही होंगे, उसके साथ साथ एक दूसरे के एग्जैक्ट कॉपी होंगे, और क्लोन्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू इच अदर, और उनका जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मेकअप है, वो भी सेम होगा। तो इस टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम क्लोन्स कहते हैं। आपके एनसीईआरटी में अलग से क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या हम क्लोन्स को जेनेटिकली आइडेंटिकल कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं, क्लोन्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एग्जाम्पल्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, जिनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आमतौर पर हमें देखने को मिलता है। तो पहला दिया गया है इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, जो मोस्टली जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, ऑल तो नहीं कह रहा हूँ मैं, मोस्टली आपको ब्रैकेट में लिख के दिखाया भी गया है, जो मोस्टली सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर हमको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है इन प्लांट्स। इन प्लांट्स के अंदर एक पॉइंट और आपको याद रखना है, जो हायर प्लांट्स होते हैं, हायर प्लांट्स का मतलब आप समझ रहे हैं, ऐसे प्लांट जो पूरी तरह से ग्रो कर चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं, काफ़ी लंबे हो चुके हैं, ठीक है, तो उनको हायर प्लांट्स कहते हैं, और जो हर्ब्स हर्ब्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, लोअर प्लांट्स कहते हैं। तो जो हायर प्लांट्स हैं या लोअर प्लांट्स में तो मेनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, लेकिन जब हायर प्लांट की बात आ जाए तो उसके अंदर एसेक्सुअल और सेक्सुअल बोथ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन आर फाउंड। ओके, तो थर्ड पॉइंट देखते हैं, इन एनिमल्स विद रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, एनिमल्स के अंदर भी रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली भी होता है। किन के अंदर होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो बॉडी मेकअप है, बिल्कुल सिंपल हो। ओके, मेनली जो सिंगल सेल्ड वगैरह इसी के अंदर आ जाते हैं। फोर्थ क्या है, इन प्रोटिस्ट एंड मोनेरन्स द ऑर्गेनिज्म और पेरेंट सेल डिवाइड विच इज आल्सो ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन।
कहता है कि जो प्रोटिस्टा हमारा किंगडम है, जो मोनेरा हमारा किंगडम है, उसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म आते हैं तो वो क्या करते हैं, डिवाइड करने लगते हैं अपने आप को, ठीक है। तो वो उनके अंदर ये एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही है, इस तरीके से वो रिप्रोडक्शन करने का उनका वो तरीका है, ठीक है। कोई दो के अंदर डिवाइड हो गया तो उसको बाइनरी फ्यूजन कहेंगे, कोई फ्रैगमेंट बन गए तो उस प्रोसेस को फ्रैगमेंटेशन कहेंगे। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे जो प्रोटिस्टा किंगडम है और जो मोनेरा किंगडम है उनके ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, अपने आप को फ्रैगमेंट के अंदर या पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं और यही उनका रिप्रोडक्शन करने का तरीका है। ओके, आगे एग्जाम्पल देखते हैं। तो आगे है फिफ्थ एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल्स के अंदर और क्या क्या आ रहा है, अमीबा रहा आपका जिसको आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, पैरामेशियम आ रहा है, ठीक है। ये दोनों क्या करते हैं, बाइनरी फ्यूजन करते हैं, ठीक है। अमीबा एंड पैरामेशियम्स डू बाइनरी फ्यूजन, ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। सिक्स्थ पॉइंट क्या कह रहा है, द यीस्ट थ्रो बडिंग एंड दिस टाइप ऑफ डिवीजन इज अनइक्वल। ओके, दिस टाइप ऑफ डिवीजन इज अनइक्वल, कहता है कि यीस्ट के अंदर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और जो कैसे करता है वो बडिंग के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। बडिंग इज द मेथड ऑफ डूइंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ओके, इन दिस मेथड क्या होता है, एक ऑर्गेनिजम्स होता है, ठीक है, एक ऑर्गेनिजम्स होता है और उनके अंदर बर्ड्स निकलने शुरू हो जाती हैं। वो बर्ड्स क्या होंगे, स्टार्टिंग में तो छोटे ही होंगे, ठीक है, और स्टार्टिंग में वो अपनी पेरेंट बॉडी से भी अटैच रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो होते जाते हैं, थोड़ी मैच्योर होते हैं, तो पेरेंट बॉडी से डिवाइड होकर खुद एक नई बॉडी बन जाती हैं। वो बर्ड्स खुद एक नई बॉडी बन जाते हैं। आखिर के अंदर मैं आपको कुछ डायग्राम दिखाऊंगा इन ऑर्गेनिजम्स के। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल हमारा बच गया है, देखते हैं क्या है। तो एग्जाम्पल है सेवन्थ नंबर, इसके अंदर क्या कह रहे हैं कि मेंबर्स ऑफ किंगडम फंगाई के जो मेंबर्स हैं उनके अंदर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ये थे कुछ 7 एग्जाम्पल जो मैंने डिस्कस किए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जो आपके एनसीईआरटी के अंदर है। मैंने आपको पूरी तरह से इनको डिफाइन करके बता दिया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के बारे में। किसके बारे में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोई भी ऑर्गेनिज्म करता है तो किस तरह के स्ट्रक्चर्स का यूज करता है, किस तरह की शेप लेता है, किस तरह की क्या क्या प्रोजेक्शंस यूज करके वो क्या रिप्रोडक्शन करता है। ओके, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पहली जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आती है वो है जूस्पोर्स। आपने काफ़ी जगह सुना होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मोस्ट कॉमन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन है और कॉमनली ऑर्गेनिजम्स इसी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यानी जूस्पोर्स को यूज करते हैं ड्यूरिंग देयर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये क्या है, माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर होते हैं। ये आपको बिल्कुल याद करना पड़ेगा। एक होता है एप्लैनोस्पोर क्या होता है, वो मोटाइल नहीं होता। एप्लैनोस्पोर मैंने लिखा तो नहीं यहाँ पे, लेकिन वो मोटाइल नहीं होता, वो एक ही जगह पे रहता है। ओके, ये तो मोटाइल है, वो ए मोटाइल होता है, यानी मोटाइल मोशन नहीं करता, वो एक ही जगह पे रहता है, फंक्शन शायद जूस्पोर्स। ओके, तो सेकेंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को देखते हैं, दैट इज द कोनिडिया। तो कोनिडिया, इसका डायग्राम आपको दिखाऊंगा लास्ट के अंदर। कोनिडिया का एग्जाम्पल आपको याद रखना होगा, पेनिसिलियम करता है कोनिडिया से। और बर्ड्स, तीसरा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कौन सा, बर्ड्स कौन करता है, हाइड्रा यूज करता है बर्ड्स को, यीस्ट यूज करता है बडिंग को। ओके, फोर्थ कौन सा है गैमूल्स। गैमूल्स जब आप एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आपको फाइलम पोरीफेरा के अंदर आपको शायद ये स्ट्रक्चर देखने को मिल जाए, क्योंकि फाइलम पोरीफेरा के अंदर मेनली स्पॉन्जिज का ही डिस्कशन करते हैं। तो गैमूल्स किसकी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है आप बिल्कुल याद कर लीजिए, ये होती स्पॉन्ज की। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ प्लांट। क्या देखते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट्स के केस में आपको पता ही है हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इन केस ऑफ प्लांट्स वी सेज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और
इट इज़ सिमिलर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सिमिलर ही होता है ये। इसको हम इट आल्सो कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी कह सकते हैं। वो कैरिड आउट बाय द हेल्प ऑफ, ये वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कुछ स्ट्रक्चर्स के माध्यम से ये कैरिड आउट किया जाता है। उन स्ट्रक्चर्स का नाम है वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। क्या नाम उनका? वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। और अब हम उनको देखेंगे कि वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स होते क्या क्या हैं। तो यहाँ पे कुछ वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स दिए गए हैं जिसके माध्यम से जो इन केस ऑफ प्लांट है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ओके, तो फर्स्ट जो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स हमारा है वो है राइजोम। राइजोम ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है? डायग्राम आपको लास्ट के अंदर दिखाए जाएंगे। किसका एग्जाम्पल है ये? इसका एग्जाम्पल है जिंजर और बनाना। बनाना के अंदर इस टाइप की एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स का यूज होता है। फिर आता है आपका ऑफसेट, आपको याद करना है करना होगा क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वाटर हाइसिंथ आपने नाम सुना होगा, द टेरर ऑफ बंगाल। ओके, द टेरर ऑफ बंगाल। तो ये वाटर हाइसिंथ इस टाइप की रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स का यूज करता है अपन ड्यूरिंग देयर एसेक्सुअल या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ओके, थर्ड क्या है? बल्ब। थर्ड है बल्ब, इसका ओनियन आपको एग्जांपल याद होना चाहिए। फिर है ट्यूबर, ट्यूबर के केस में आपको पोटैटो याद होना चाहिए। और शक्कर है, शक्कर आप ऐसे याद कर लीजिए क्योंकि इसके अंदर आपका आपकी एनसीईआरटी के अंदर कोई जिक्र नहीं है तो आपका कोई काम का भी नहीं है ये। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज द वाटर हाइसिंथ द टेरर ऑफ बंगाल। मैंने इसको अलग से इसलिए लिया है क्योंकि इससे अलग से एक पार्टिकुलर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अलग से इससे पार्टिकुलर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अब जो आपके एनसीईआरटी के अंदर हो वो हम पूरा डिस्कस करेंगे वाटर हाइसिंथ इसके अंदर। ओके, तो वाटर हाइसिंथ और आल्सो कॉल्ड द टेरर ऑफ बंगाल, इसको हम टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी जानते हैं। आपका डायरेक्ट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाएगा द नेम ऑफ द प्लांट दैट इज आल्सो कॉल्ड द टेरर ऑफ बंगाल, और ऑप्शंस के अंदर आपको वाटर हाइसिंथ आपको चूज करना पड़ेगा। ओके, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? वन ऑफ द मोस्ट इन्वेसिव वीड, कहता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में उगने वाली खरपतवार है ये, बहुत ज़्यादा मात्रा में उगती है खरपतवार। फाउंड ग्रोइंग इन स्टैंडिंग वाटर, कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं? जहाँ पर आपको स्टैंडिंग वाटर मिलेगा, ठीक है, जो पानी बहता है उसके अंदर आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन जो पानी एक जगह पे रुका रहता है जैसे झील होती है हमारा, ठीक है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में ये खरपतवार पाए जाते हैं। खरपतवार क्यों बोल रहे हैं? खरपतवार किसको बोलते हैं? जो हमारे किसी काम की ना हो, ये भी हमारे कोई काम की नहीं है। फिर पूछेंगे कि ये उगाया क्यों गया था? उगाया इसलिए गया था, अगले पॉइंट में देखते क्यों क्यों उगाया गया था। तो इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ड्यू टू इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड शेप ऑफ लीव्स, भारत के अंदर ये इसके जो बहुत ही सुंदर फूल होते हैं, इसके जो फ्लावर्स थे और बहुत जो अच्छी शेप थी इनकी, जो लीव्स थी उनकी शेप भी बहुत अच्छी थी, फ्लावर्स भी बहुत दिखने में अच्छे लगते थे, तो इसके कारण ये भारत के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया, इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं पता थे इनको, इनको हार्मफुल इफ़ेक्ट्स नहीं पता था, ये तो बाद में पता चला कि ऐसे ऐसे ये नुकसान करता है। नुकसान हम पढ़ेंगे इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट के अंदर। तो क्योंकि ये कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा था? इसका नेचुरल प्रीडेटर जो कि इसको अंडर कंट्रोल रखता है, इकोलॉजी के अंदर आप पढ़ोगे कि जो प्रीडेटर नेसेसरी होते हैं किसी पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल रखने के लिए, जो प्रीडेटर है को पार्टिकुलर भी हो सकता है, किसी पार्टिकुलर स्पीसीज है जैसे वाटर हाइसिंथ है, इसका पार्टिकुलर कोई प्रीडेटर होगा, वो इंडिया के पास तो था नहीं, बस ये पौधा लाकर इंट्रोड्यूस कर दिया, तो इसको कुछ खाने वाला कुछ कंट्रोल करने वाला तो है नहीं, तो अपनी संख्या तो बढ़ाएगा ही है, तो यही समस्या उत्पन्न हुई। बाद में इसको कंट्रोल भी किया गया, इसका जो नेचुरल प्रीडेटर था इसकी नेचुरल जगह से लाकर उस प्रीडेटर को इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया, और फिर ये इसकी जो ग्रोथ है उसको कंट्रोल किया गया। चलिए इसके हार्मफुल इफेक्ट देखते हैं फर्दर। तो चलिए हार्मफुल इफेक्ट से शुरुआत करते हैं, जो क्या लिखा हुआ है, इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर विच लीड्स टू डेथ ऑफ
फिशीज अदर एंड अदर वाटर ऑर्गेनिज्म, कहता है कि वाटर के अंदर से ऑक्सीजन विड्रॉ करता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, वाटर से बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन निकालता है, खींचता है, जिसके कारण पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जो मछलियाँ हैं या और वाटर में रहने वाले जो जीव हैं उनकी डेथ होने लग जाती है। ओके, पहला तो इसका हार्मफुल इफेक्ट ये। दूसरा क्या, इट ग्रोज वेरी रैपिडली इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ये बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा अपने आप को ग्रो कर लेता, बहुत ज़्यादा अपने आप को उगा लेता है। तो ये इसका साइड इफेक्ट हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा उगाएगा तो बहुत ये सो इट बिकम्स ए डेंजर फॉर एक्वेटिक लाइफ, तो ये जो एक्वेटिक लाइफ है हमारे जो वाटर बॉडीज हैं उनके लिए एक खतरे का काम करेगा, बहुत ज़्यादा संख्या के अंदर ये ग्रो करेगा। तो ठीक है, तो ये थे वाटर हाइसिंथ के साइड इफेक्ट्स, और ये इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था, इसको दूसरा नाम क्या कहते हैं। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इस चैप्टर से डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड ही आते हैं और आपका यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देख रहे हैं हम कुछ की पॉइंट्स, ठीक है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ की पॉइंट्स बच गए हैं जिनका आपस में रिलेशन नहीं है, तो हम उनको की पॉइंट्स के अंदर रख देते हैं। है तो ये भी इम्पोर्टेंट्स, ओके, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो की पॉइंट्स, चलिए शुरुआत करते हैं हमारे की पॉइंट्स से। कहता है कि जो हायर प्लांट्स होते हैं, मैं पहले आपको डिस्कस कर चुका हूँ, वो एसेक्सुअल और सेक्सुअल बोथ टाइप के रिप्रोडक्शन करते हैं। हायर प्लांट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। आगे क्या है, न्यू प्लांटलेट्स इन ए प्लांट ओरिजिनेट फ्रॉम द नोड्स प्रेजेंट इन मॉडिफाइड स्टेम, किसी भी पौधे के अंदर जो नई प्लांटलेट्स, नई जो पत्ती निकलनी शुरू होती है वो पौधे के किस तने के किस हिस्से से निकलनी शुरू होती है, तो उसका नाम है नोड्स, नोड्स से निकलनी शुरू होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इन ब्रायोफाइलम एडवेंटिटियस बर्ड इज फाउंड, ब्रायोफाइलम के अंदर एडवेंटिटियस बर्ड्स पाई जाती है, अराइजिज फ्रॉम द नोचिज प्रेजेंट एट द मार्जिन ऑफ लीव्स, ये जो एडवेंटेटिस बर्ड्स हैं कहाँ से निकलते हैं, जो पत्तियाँ होती हैं उनकी नोच पे, उनके किनारों पर से ये निकलनी शुरू होती हैं। तो आपको ये जनरली ये पॉइंट आपको याद रखना है। ओके, आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है कि समटाइम्स फंगी एंड एल्गे शिफ्ट टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अनफेवरेबल कंडीशन, कहते अब तक हम पढ़ते आ रहे थे कि यार फंगी और एल्गे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन अब क्या कह रहा है कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, लेकिन हर बार नहीं, सिर्फ एक कंडीशन है, यदि वो उनके लिए माहौल जो उनके लिए है वो अनफेवरेबल हो, उनके हिसाब से यदि माहौल उनको नहीं मिला तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अपने आप को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ ले जाते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो, ऐसा इसलिए कर रहे हैं यदि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अपने आप को इन अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर ढाल लेंगे तो उनका वो ज़्यादा लंबे समय तक अपने आप को लाइव कर सकेंगे, ठीक है, अब ज़्यादा समय तक जी सकेंगे। ओके, इसलिए क्योंकि वो ज़्यादा रेजिस्टेंट हो जाते हैं सेक्सुअल कंडीशन में, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन में वो स्पोर्स बना लेते हैं, स्पोर्स एक टाइप की रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ही कहेंगे उनको, स्पोर्स क्या होंगे, वो रेजिस्टेंट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, इन अनफेवरेबल कंडीशंस के, जिसके कारण वो काफ़ी लंबे साल, महीने, सालों तक वो जिंदा रह सकते हैं, ठीक है, और जैसे फेवरेबल कंडीशन आएगी तो क्या पता अपने आप को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी ले जाए। तो इस वीडियो में इतना ही, डायग्राम मैं आपको दिखाना चाहता था इसी वीडियो में, लेकिन ये वीडियो काफ़ी लंबा खींचने की वजह से डायग्राम आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर दिखाऊंगा, जितने भी मैं अब तक आपके एनसीईआरटी में है मोस्ट इंपॉर्टेंट है सब मैं आपको शो करूंगा, तो तब तक के लिए बने रहिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।